हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल में आज का हमारा वीडियो है आईसी इंजन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में ये पार्ट फोर है और एक से तीन पार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं सो so, शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो इज अब स्टोक्योमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो क्या कहते हैं सो इट इज़ द केमिकली करेक्ट मिक्सचर ओके सो आंसर इज ए केमिकली करेक्ट मिक्सचर अब फ्रेंड्स केमिकली करेक्ट मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब मिक्सचर कम्बशन होता है मिक्सचर का तब उसमें जो आउटपुट रहता है वो सी होना चाहिए ठीक है सो सो केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखा जाए तो केमिकल करेक्ट मिक्सचर जो है वो 14.7 पॉइंट सेवन इंच टू वन है यानी कि 14.7 ग्राम एयर एंड वन ग्राम पेट्रोल इफ़ इट इज़ देयर then output will be the CO2 that is called the chemically correct mixture okay next is as compared to air cycle in actual working the effect of variation in specific heat is to तो यहाँ पे अगर specific heat में variation होता है ठीक है तो उसकी effect क्या रहती है friends तो यहाँ पे एक graph मैंने बताया है ये जो PV diagram है auto cycle का उसमें यहाँ पे वेरिएबल स्पेसिफिक हिट वन टू डैश थ्री डैश एंड फोर डैश एक्चुअली डबल डैश है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डॉटेड लाइन है तो वो नीचे दिखा रहा है यानी कि यहाँ पे इट रिड्यूस द मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर सो फ्रेंड्स फाइनल हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर स्पेसिफिक हिट में वेरिएशन आता है सो इट रिड्यूस द मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर नाउ थर्ड इज़ डिसोसिएशन इज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बर्न गैस एट हाई टेम्परेचर तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसोसिएशन क्या है एंड डिस इंटीग्रेशन ऑफ बर्न गैस क्या है तो जो बर्निंग गैस है सी ओ टू तो क्या रहता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो सी ओ टू जो है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है ठीक है सी ओ एंड ओ टू में तो यहाँ पे देखते हैं एक यहाँ पे डेफिनेशन मैंने बताई है एट वेरी हाई कंबशन टेम्परेचर अगर कंबशन टेम्परेचर हाई रहता है तो CO2 जो है इट्स स्टार्ट टू ब्रेक ओके मीन्स डिसोसिएट प्रोसेस इज देयर एंड इट डिसोसिएट into CO and एंड This dissociation दिस the इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड टेक्स द एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम मतलब एनर्जी वो रिलीज करती है रिजल्टिंग द लॉस ऑफ नेट एनर्जी प्रोड्यूस एंड देयर फॉर रिड्यूसिंग द एफिशंसी ऑफ आईसी एंजिन मतलब कि आईसी एंजिन की एफिशिएंसी भी रिड्यूस होती है डिसोसिएशन के थ्रू नाउ नेक्स्ट इज लीन मिक्सचर नो डिसोसिएशन टेक प्लेस एज द टेम्परेचर इज अब लीन मिक्सचर है तो टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा सो कम टेम्परेचर की वजह से देर इज नो डिसोसिएशन ओके सो फाइनली आंसर इज ए नाउ फाइव रिच मिक्सचर डिसोसिएशन इज प्रिवेंटेड बाय अवेलेबल अगर हम क्या अवेलेबल करें तो डिसोसिएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं रीच मिक्सर में तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी ओ टू एंड ओ टू बाय अवेलेबल ऑफ सी ओ टू एंड ओ टू वी कैन प्रिवेंट द डिसोशिएशन नाउ नेक्स्ट पावर आउटपुट इज मैक्सीम एट स्टोक्योमेट्रिक रेशियो वेर देर इज नो डिसोश जब डिसोशिएशन नहीं होगा तब पावर आउटपुट जो है वो मैक्सीम रहेगा एट अ स्टक्योमेट्रिक मिक्सचर स्टोक्योमेट्रिक मिक्सचर यानी जैसे मैंने आपको बताया एयर करेक्ट एयर फ्यूल रेशियो ओके नेक्स्ट तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आउट पावर आउटपुट के बारे में लिखा है ओके okay? तो यहाँ पे जो लिखा है वो है पावर आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन द मिक्सचर रेशियो इज स्टोक्योमेट्रिक ओके नाउ नेक्स्ट इज द मैक्सिमम डिसोसिएशन फॉर यहाँ पे आंसर है टक्योमेट्रिक मिक्सचर आप यहाँ पे देख सकते हो ये है स्टॉक्योमेट्रिक मिक्सचर ओके सो हियर यू कैन सी द मैक्सिमम डिसोसिएशन ठीक है विथ डिसोसिएशन ये ग्राफ दिया हुआ है नाउ नेक्स्ट इज विथ डिसोसिएशन पिक टेम्परेचर इज ऑप्टेन वैन द मिक्सचर इज स्लाइटली रिच ओके विथ डिसोसिएशन पिक टेम्परेचर इज ऑपटेन वैन द मिक्सचर इज स्लाइटली रिच आप यहां पर देख सकते हो ग्राफ में कि मिक्सचर जो है जब वो स्लाइटली रिच कंडीशन में पहुंचता है यानी कि यहाँ पे स्लाइटली रिच कंडीशन में पहुंचता है तब उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे मैक्सिमम रहता है ओके सो नेक्स्ट व्हेन द मिक्सचर इज़ लीन एफिशिएंसी इज़ लेस पावर आउटपुट इज लेस मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ हायर एंड ऑल ऑफ दी अबो सो यहाँ पे आंसर है जब मिक्सचर लीन रहेगा तब पावर आउटपुट जो है वो कम रहेगा ठीक है लीन मिक्सचर में पावर आउटपुट जनरली कम रहता है लीन मिक्सचर किसे कहा जाएगा जो हमारा स्टॉक्यूमेट्रेड मिक्सचर है फोर्टीन पॉइंट सेवन इंस टू वन यानी कि फोर्टीन पॉइंट सेवन ग्राम एयर एंड वन ग्राम पेट्रोल अगर वो बढ़ता है यानी कि 15, 16, 17 इंस टू वन जाता है देन इट इज कॉल्ड द लीन मिक्सचर और अगर कम होता है 11 ट्वेल्व थर्टीन या टेन इंस टू वन देन इट इज़ कॉल्ड द रिच मिक्सचर ओके नाउ फ्यूअल एयर रेशियो अफेक्ट द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ दी हायर स्पेसिफिक हीट केमिकल इक्वलिबरियम लॉस एंड ए एंड बी बोथ तो okay? so, यहाँ पे आंसर है ए एंड बी जो फ्यूअल एयर रेशियो है वो मैक्सिम पावर में अफेक्ट करता है जब हायर स्पेसिफिक हीट हो एंड केमिकल इक्वलिबरियम लॉसेस काउंट किया जाए तो

एक्चुअली यहाँ पे लिखना चाहिए कि कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आंसर आएगा लेकिन यहाँ पे आंसर ए दिया है इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो विल इंक्रीज द मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर नेक्स्ट इज फ्यूअल एयर रेशियो अफेक्ट द मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ द इंजन ड्यू टू तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है हाई स्पेसिफिक हीट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम लॉस यहाँ पे आंसर होगा सी ये दोनों अफेक्ट करते हैं

यहाँ पे 15 जो है वो रिपीट हो रहा था इसीलिए मैंने निकाल दिया है नेक्स्ट इज द टाइम लॉस फैक्टर इन एक्चुअल साइकिल इज ड्यू टू अब टाइम लॉस फैक्टर क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल हीट एडिशन इज एज्यूम टू बी इंस्टस्टेनियस मतलब कि जो हमने ऑटो साइकिल उसमें पढ़ा उसमें जो हीट एडिशन है वो इंस्टस्टेनियस uh, प्रोसेस है ठीक है वेर एज इन एक्चुअल साइकिल अब अब एक्चुअल साइकिल में उसको थोड़ा टाइम लगता है इट्स हैविंग अ डिफिनेट पीरियड ऑफ टाइम ओके देर विल बी अ लॉस देर विल बी अ टाइम लॉस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड दिस इज कॉल्ड द टाइम लॉस फैक्टर ओके फ्रेंड्स तो यहां पे टाइम लॉस फैक्टर इन एक्चुअल साइकिल इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव कंबन ओके नेक्स्ट इज इफ द स्पार्क टाइमिंग इज एट टी डी सी द वर्क इज अगर टी डी सी पे स्पार्क हो रहा है ठीक है जब आफ्टर कंप्रेशन हम ऐसा एज्यूम करें कि अगर टी डी सी पर पिस्टन आएगा टॉप डेड सेंटर पे तभी स्पार्क हो तो वर्क क्या होगा तो वर्क लेस होगा जो वर्क है वो कम होगा क्यों क्योंकि उसका जो पिक प्रेशर मिलना चाहिए वो थोड़ा डिग्री बाद मिलेगा तो हमें जो टाइमिंग रखना है स्पार्क का वो एडवांस रखना पड़ेगा ओके सो so, यहाँ पे आएगा लेस इफ द स्पार्क टाइमिंग इज एट द टीडीसी वर्क इज लेस नेक्स्ट इज वेन द स्पार्क इज एडवांस द वर्क आउटपुट इज लेस एज एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द बर्निंग गैस अब समझ लो यहाँ पे जो वॉल टाइमिंग डायग्राम है सपोज तो यहाँ पे ये जो है टी डी सी है सपोज ठीक है तो अब जितना स्पार्क को हम एडवांस करेंगे सपोज यहाँ पे हम स्पार्क कर देते हैं समझ लो कि यहाँ पे 30 डिग्री बिफोर टीडीसी हम स्पार्क कर देते हैं या 20 डिग्री बिफोर टीडीसी ले लो ठीक है तो यहाँ पे तो पिस्टन यहां से जब ये क्रैंक यहाँ पे आ रही होगी तब पिस्टन कहाँ पे जा रहा होगा ऊपर अब ऊपर जा रहा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा एडिशनल वर्क इज रिक्वायर्ड टू कंप्रेस द बर्निंग गैस दैट्स वाई वर्क आउटपुट इज लेस इफ द स्पार्क इज इफ द स्पार्क इज टू मच एडवांस ओके सो यहाँ पे आंसर होगा सी नाउ द ऑप्टिमम स्पार्क टाइमिंग गिवस अब मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही एडवांस भी नहीं होना चाहिए और बहुत रिटायर्ड uh, भी नहीं होना चाहिए सो ऑप्टिम स्पार्क टाइमिंग गिव्स द हायर मिन इफेक्टिव प्रेशर एंड हाई एफिशियंसी सो यहाँ पे आंसर होगा सी ओके okay? तो हमें जो स्पार्क टाइमिंग है वो हमें ऑप्टिमम रखना पड़ेगा नाउ लास्ट वन द मेजर लॉस इन एस आई एंजिन इज ड्यू टू जो ऐसा इंजन इंजिन में मेजर लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है तो वेरिएशन इन स्पेसिफिक हिट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है सिमिलर क्वेश्चन हमने आगे भी देखा ओके सो so फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर आपको कुछ लगता है इसमें कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता तो लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत बोलिए थैंक यू जय हिंद जय भारत